हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज यार बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली अपने गांव आया हुआ हूँ। छत पे घूम रहा था यार। देखो, मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक आध ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो आज मैं अपने घर आया हुआ था बहुत दिनों के बाद, तो घर से ही सोच रहा हूँ क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। तो बिल्कुल, मैं अभी अपने छत पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है हमारा छत। यहाँ से देखिए, आपको गांव दिखा देता हूँ। आप गांव देखिए, इधर से दिखता है। बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, मुश्किल से 100 घर होंगे, छोटा सा गांव है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ धान की फसल लगी हुई है। अभी अभी धान काटे जा रहे हैं धीरे धीरे, कुछ लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए। ये चाचा अपने खेतों में धान काट रहे हैं। सॉरी, एक्चुअली उस टाइम फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलिए, मैं आपको ले कर आया हूँ अपने खेतों की ओर, थोड़ा आपको दिखा दूँ। इस समय ना एक्चुअली धान कट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो मेरा गांव है एक्चुअली, और ये सब धान की खेतें आपको पीछे में देख रही होंगी। मैं आपको अच्छे से दिखा देना चाहूँगा। जो धान एक्चुअली पहले से पक चुके हैं वो कट रहे हैं, और जो अभी कच्चे हैं वो अभी कटने के लिए बाकी हैं। जो अभी कच्चे हैं वो अभी जब पक जाएंगे तो कटने लगेंगे, ऑलमोस्ट काटने के लायक हो ही गए हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, ये जो धान है ये एक्चुअली में कटा हुआ धान है, ये कट चुका है। और इस तरीके से ये देखिए, ये पूरा जो खेत इधर देख रहे हैं ना, खाली खाली सा, इसमें ये सारे धान कटे हुए धान हैं, ठीक है। और जो जो धान अभी नहीं कटे हैं वो देखिए इस प्रकार है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी लगे हुए हैं खेतों के अंदर। ये देखिए उनकी जड़ें, देखिए बारीकी से, ये एक में ये देखिए कितने जड़ें होती हैं एक धान के अंदर। और ये देखिए कैसा दिखता है, थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से ये सब अभी ना कटने के लिए बाकी हैं। ये जितनी भी हैं अभी, ये सब सब अभी कटने के लिए बाकी है। एक्चुअली हमारा ही खेत है, तो अभी थोड़ा ये ना कच्चा है। ये देखिए हरा हरा दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, इसलिए ये भी काटने के लिए बाकी है। देखिए वो सामने आंटी एक लेके जा रही हैं धान काट के, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ना एक्चुअली धान काट के लेके जा रही हैं। तो ये अभी काटने के लिए बाकी है धान के खेत। ये देखिए, आपको एक ये चीज़ दिखा रहा हूँ, एक अलग चीज़। ये देख रहे हैं पेड़, ये ना एक्चुअली ताड़ का पेड़ है, बहुत सारे लगे हुए हैं, इधर भी लगे हैं। देखिए ये सामने जो दिख रहा है ना, ये भी है, ताड़ का ही पेड़ है। बरसात के मौसम में अगर आप आते हैं तो आपको इसका फल खाने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। ये देखिए इधर से, और कुछ दिखाता हूँ आपको, आइए इधर से ना। एक्चुअली एक ताड़ का पेड़ आपको दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल बिजली गिरती है ना, जब देखते हैं बरसात के मौसम में जो बिजली कड़कती है, तो एक्चुअली उस पेड़ पे ना बिजली गिर गई थी, तो वो सूख गया है बेचारा, वो बिल्कुल ही सूख चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो इधर से दिखेगा आपको। ये देखो, ये जो सामने ये लंबा सा देख रहा है ना पेड़, एक्चुअली ताड़ का ही पेड़ था, बट अब वो सूख चुका है।
ये देखिए, ये अभी छोटा है पर ये भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए, एक्चुअली ये है अभी छोटा बट ये भी बड़ा। ये इसके अलावा एक चीज़ ना, हमारे यहाँ से गांव से लोकेशन बड़ा अच्छा है। ये देखा, ये सामने आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मेन ट्रैक है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मेन लाइन है ये। ये सामने देखिए आपको कुछ पुल दिख रहे, ब्रिज दिख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ब्रिज है, बड़ा ही अच्छा है। अगर मैं पास गया तो आपको दिखाऊंगा। ये 12 पार्टीशन है इस ब्रिज के, बरसात के मौसम में एक्चुअली पूरा भर जाता है तो 12 पार्टीशन के अंदर से पानी आता है। और बाकी इलेक्ट्रिक पोल के खंभे आपको दिख रहे हैं ये उजले उजले, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है हमारे गांव में। और ये रोड है हमारे गांव के अंदर आने का, ये ब्रिज के अंदर से ही हमारा हमारे गांव में अंदर आने का रोड आता है। और ये मकान बने हुए हैं, घर जो कि दिख रहा है, ये इधर से पूरा हमारा गांव इधर ही है, ट्रैक के इसी साइड में है हमारा गांव, नॉर्थ साइड में। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो लाइन है ना, इससे नॉर्थ साइड में है। बाकी गांव के यार देखो, कुछ लोग ना उधर धान काट भी रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं दिखा दूँ। ये देखो, एक आंटी दिख रही हैं इधर, इधर में एक आंटी दिख रही हैं और एक उनकी बच्चे दिख रही है जो धान काट रहे हैं ये लोग अभी। गांव की लाइफ स्टाइल यार बड़ी अच्छी है, लेकिन आदमी भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना कहाँ गांव में रह ही नहीं पाता है। नहीं तो यार गांव का लाइफ बड़ा मज़ा आता है यार गांव में। मैं तो बड़े दिनों बाद आया हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वही है कि टाइम की पाबंदी है, ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। बड़े मुश्किल से आए हैं यहाँ, वो भी एक्चुअली आते नहीं, तबीयत ख़राब थी तो नौकरी छोड़ के भागनी पड़ी। भैया तबीयत ख़राब है तो फिर नौकरी वोकरी कुछ नहीं दिखता, फिर सीधा घर ही दिखता है यार, क्या करोगे। तो चलिए, आज मैंने एक छोटा सा ट्राई किया था ब्लॉग बनाने का, कोशिश किया मैंने। अगर आपको, अब तो घर चल रहे हैं, अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं लगा हो तब भी कर देना यार, क्या जाता है ना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने।